Hi everyone, welcome to Sleepy Classes. So continuing with the third part of the lecture on internal security, that is role of external state and non-state actors, the challenges which they pose to the internal security of the country, right? So ab is lecture mein hum deal karenge kuch chote chote topics ke saath, for example illegal immigrants ke saath, theek hai, transnational jo corporations hai, MNCs, theek hai, wo kya threat pose karti hain. Uske baad we will discuss a bit about radicalization. ठीक है, फिर उसके बाद जो एक बड़ा टॉपिक है वो है कोस्टल सिक्योरिटी भी, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको डिटेल में कवर किया गया है, कोस्टल सिक्योरिटी स्कीम, एवरीथिंग. सो यू नीड टू प्लीज़ आई रिक्वेस्ट कि आप वो ज़रूर अच्छे से करिए, इस लेक्चर से नोट्स बनाइए उसकी. बाकी फिर भी थोड़े जेनरिक हैं, बट ऑब्वियसली आपको एक आइडिया मिलेगा. उसके बाद कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जैसे करप्शन. करप्शन अगेन हमने इतनी डिटेल में डिस्कस नहीं किया है. मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग का आपका अलग से टॉपिक है. सो ये जो हमारा टॉपिक था ना एक्सटर्नल स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स का, ये एक तरह से कल्मिनेशन है बहुत सारे टॉपिक्स का. सो वंस यू आर डन विद योर सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी का आपने पूरा सिलेबस कवर कर लिया, उसके बाद जब आप इस टॉपिक को रिविजिट करोगे आप खुद से बहुत ऐड कर सकते हो इस टॉपिक में. बट सिंस हम सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, सो वी हैव टू यू नो फॉलो द सेम. ओके, सो लेट्स जस्ट डील विद दिस टॉपिक ऑफ इलीगल इमिग्रेशन. तो हमारे पास दो डायमेंशन से हम देखेंगे, एक जो बांग्लादेश से आ रहे हैं और दूसरे जो म्यांमार से आ रहे हैं. ठीक है, अगर हम बांग्लादेशीज़ की बात करें, सो दे हैव बीन मूविंग आउट ऑफ देयर कंट्री ड्यू टू इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल रीजंस. बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से बांग्लादेशीज़ दे आर लीविंग देयर ओन कंट्री. पहला रीज़न है कि लिविंग स्पेस. बांग्लादेश की जो डेंसिटी है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, 964 अकॉर्डिंग टू 2011 एस्टिमेट्स. ठीक है, सो ऑलरेडी जो डेंसिटी है, ठीक है, अगर आप इंडिया की डेंसिटी देखें तो इंडिया की डेंसिटी कितनी है प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट्स में. ठीक है, इट्स लाइक वेरी लेस इफ़ यू कंपेयर इट टू दैट ऑफ द बांग्लादेश, राइट, नॉट इवन हाफ. अच्छा, सो बांग्लादेश की डेंसिटी इतनी ज़्यादा है, उसके बाद पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है. ठीक है, अब इससे क्या हो रहा है, जो लैंड है, जो लिविंग स्पेस है वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है. ठीक है, यहाँ पर अब ये तो हो गया एक तरह से, आप ले लीजिए लिविंग स्पेस. उसके बाद इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ आर रियली लेस देयर. ठीक है, कुछ सोशल रीजंस की वजह से भी लोग आ रहे हैं. उसके बाद क्लाइमेट चेंज ने इसको और एग्रोवेट कर दिया है, क्योंकि जो कोस्टल एरियाज हैं वो पानी के नीचे जा रहे हैं, सी लेवल इज़ राइजिंग, तो फर्दर जो प्रेशर है ऑन द लिमिटेड लैंड दैट बांग्लादेश हैज़ वो बढ़ेगा. तो उससे क्या होगा, जो इमिग्रेशन है आउट ऑफ बांग्लादेश, इमिग्रेशन इन टू इंडिया विल इंक्रीज, इट इज़ एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज फर्दर इन द कमिंग years. आप देखो, ये तो आपने बता दिया कि ये ऐसे ऐसे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो इमिग्रेशन है वो बढ़ेगी, और ये हो भी रही है. ठीक है, ये रीजंस है. उसके बाद अगर हम देखें इसका इफेक्ट क्या हो रहा है इंडिया के ऊपर, वो ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज दैट विल एक्चुअली टेल अस द थ्रेट इट पोजेस टू द इंटरनल सिक्योरिटी. तो अब देखो, इसमें हमारे पास ये है कि जो ये साइलेंट डेमोग्राफिक इन्वेजन हो रही है ना, इन टू द नॉर्थ ईस्ट, इन टू द असम, इट मे एक्चुअली रिजल्ट इन टू द लॉस ऑफ जियो स्ट्रेटेजिकली वाइटल डिस्ट्रिक्ट ऑफ लोअर असम. अब क्या हो रहा है कि जो पीपल फ्रॉम द बांग्लादेश, ठीक है, दे आर इन्फ्लक्स हो रहा है उनका बहुत ज़्यादा. ठीक है, सो द इन्फ्लक्स ऑफ दीज इलीगल माइग्रेंट्स की वजह से क्या हो रहा है, जो ये लोअर डिस्ट्रिक्ट हैं जो लगती हैं बांग्लादेश के साथ, दे माइट टर्न इन टू अ मुस्लिम मेजोरिटी रीजन. और फिर उसके बाद क्या होगा, फिर उसके बाद डिमांड विल राइज ऑफ देयर मर्जर विद बांग्लादेश. ठीक है, ये हो गया. उसके बाद एक और इशू जो हम देखते हैं कि जो इसको और ज़्यादा एग्रेवेट कर सकता है, वो है कि इंटरनेशनल इस्लामिक फंडामेंटलिज्म जो कि राइज हो रहा है पूरी दुनिया में ग्लोबल लेवल पे, वो भी एक तरह से ड्राइविंग फोर्स हो सकता है इस डिमांड की कि जो लोअर असम की डिस्ट्रिक्ट है उनको बांग्लादेश का पार्ट बनाया जाए, बिकॉज दे हैव बीन टर्न्ड इनटू अ मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया बाय नाउ. ठीक है, अब ये असम के लिए ट्रू नहीं है, ये ट्रू है दूसरी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए भी, जैसे त्रिपुरा और मेघालय. अब त्रिपुरा और मेघालय भी ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पे जो माइग्रेंट्स हैं इतने ज़्यादा आ गए हैं कि वहाँ पे जो लोकल पॉपुलेशन थी दे हैव बीन टर्न्ड इनटू अ माइनॉरिटी. ठीक है, जो वहाँ पे लोकल पॉपुलेशन थी वो माइनॉरिटी बन गई है, और उनके इतनी ज़्यादा एग्रोवेट हो गए हैं उनके इश्यूज़ कि दे हैव यू नो फॉर्म्ड ग्रुप्स लाइक ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स. ठीक है, तो एक तरह से जो इंटरनल सिक्योरिटी है वो तो आपकी जेपर्डाइज हो ही गई, क्योंकि जो मेजॉरिटी
या मेजॉरिटी या माइनॉरिटी की बात भी नहीं है, जो इमिग्रेंट्स हैं और जो लोकल पॉपुलेशन है उनके बीच में इश्यूज दे आर ऑन द राइज. ठीक है, सो एक चीज़ आपको ये जाननी है. दूसरी बात ये है कि जो माइग्रेंट्स आते हैं लेट्स से बांग्लादेश से, है ना, तो वो क्या करते हैं, दे गिव शेल्टर टू मिलिटेंट ग्रुप्स. ठीक है, सो दे आर ऑल्सो वेरी एमिनेबल टू द ISI एक्टिविटीज़. ठीक है, तो ऐसा कहा जाता है कि पाकिस्तान के जो ISI के काफ़ी ज़्यादा जो सेल्स हैं दे आर ऑल्सो एक्टिव इन बांग्लादेश, और क्योंकि माइग्रेंट्स आते हैं वहाँ से, सो जो ये थ्रेट है, जो ISI का थ्रेट है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स पे और कंट्री पे भी. ठीक है, तो आपको इस तरह से भी इसको देखना है, राइट, कि जो हमारे पास जो हमारी लोकल पॉपुलेशन थी, दे हैव ऑल्सो टर्नड इनटू ग्रुप्स लाइक इंसर्जेंट ग्रुप्स लाइक ATTF, और जो वहाँ से लोग आ रहे हैं वो भी मिलिटेंट्स को शेल्टर दे रहे हैं. सो आप देख रहे हैं दोनों तरफ से जो सिक्योरिटी की सिचुएशन है वो तो जेपर्डाइज हो ही रही है. ठीक है, ये एक एस्पेक्ट है इसको देखने का. अब जो सुप्रीम कोर्ट है इन इट्स जजमेंट इन 2005, ठीक है, 2005 की जजमेंट है ये, तब सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, तब मतलब आप लगा लीजिए लाइक 13 ईयर्स बिफोर, तब भी इतनी ज़्यादा इमिग्रेशन थी इलीगल. ठीक है, तो ये कहा गया था कि द प्रेजेंस ऑफ सच अ लार्ज नंबर ऑफ इलीगल माइग्रेंट्स फ्रॉम बांग्लादेश विच रन्स इन टू मिलियंस इज अ फैक्ट एन अग्रेशन ऑन द स्टेट ऑफ असम एंड इट हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली इन कॉजिंग सीरियस इंटरनल डिस्टर्बेंसेज इन द फॉर्म ऑफ इंसर्जेंसी. ठीक है, मेकिंग द लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ असम होली इनसिक्योर एंड द पैनिक जनरेटेड thereby has created a fear psychosis. ठीक है, सो ये एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने बैक इन द डे बोला था 2005 में, बट वो प्रॉब्लम अभी भी कितनी ज़्यादा रेलिवेंट है और बड़ी ही है, और ऐसा कहा जा रहा है और भी बढ़ेगी आने वाले टाइम में, बिकॉज इट इज़ फर्दर एग्रोवेटेड बाई क्लाइमेट चेंज. ठीक है, उसके बाद ये भी है कि राइज ऑफ टेररिज्म है ना, टेररिज्म जैसे हमने देखा इस्लामिक फंडामेंटलिज्म इज ऑन द राइज, IS भी आ गया है. ठीक है, सो एक तरह से ये जो इलीगल माइग्रेशन है इसको काफ़ी ज़्यादा और कंसर्न बना दिया है, क्योंकि ये जो माइग्रेंट्स हैं ना ही एक तो ये शेल्टर देते हैं, दे माइट देमसेल्व्स बी रिक्रूटेड बाय द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, क्योंकि ऑब्वियसली उनके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन होता है. ठीक है, और ऐसा भी कहा जाता है कि जो पाकिस्तान का ISI है, जैसे मैंने बताया कि बांग्लादेश में उनके काफ़ी ज़्यादा सेल्स एक्टिव हैं विच आर सपोर्टेड सपोर्टिंग द मिलिटेंट मूवमेंट्स इन असम. ठीक है, सो ऑब्वियसली इलीगल माइग्रेंट्स में मिलिटेंट्स भी होते हैं, ठीक है, और नॉर्मल लोग भी होते हैं, और उनके बीच में डिफ्रेंशिएट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है. तो वी नीड टू डिवाइस स्ट्रैटेजी जिससे कि जो जेन्युइन माइग्रेंट्स हैं, है ना, लेट्स से बिकॉज ऑफ जो क्लाइमेट रिफ्यूजीज हैं, उनको हम मे बी हम उनकी हेल्प कर सकें, बट वी नीड टू नॉट एट द कॉस्ट ऑफ आर ओन सिक्योरिटी ऑफ आर ओन कंट्री, राइट. ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इज रोहिंग्यास. अब रोहिंग्यास क्या है, रोहिंग्यास आर द वंस which come from the Rakhine state of the Myanmar. ठीक है, एंड अब रोहिंग्यास के जो हमारे पास जो गवर्नमेंट है उसने बोला था कि इनको रोहिंग्यास को वापस भेजो, डिपोर्ट करो, बिकॉज दे ऑल्सो पोज अ थ्रेट टू इंडिया सिक्योरिटी. रीजन्स सारे वही हैं. ठीक है, बिकॉज दे नॉट ओनली इन्फ्रिंज अपॉन द राइट्स ऑफ द इंडियन सिटीजन्स बट ऑल्सो पोज द ग्रेव सिक्योरिटी चैलेंज, जैसे कि जो बांग्लादेश से आते हैं सिमिलरली वो माइग्रेंट्स अगर आपके रखाइन से भी आ रहे हैं तो दे विल पोज द सिमिलर सिक्योरिटी चैलेंजेस. ठीक है, सो दे आर बर्डन ऑन द लिमिटेड रिसोर्सेज एज वेल एज दे एग्रोवेट द सिक्योरिटी चैलेंजेस विच आर पोस्ट टू द इंडिया. अब उसमें वही है. ठीक है, अब मोस्ट ऑफ दीज इलीगल इमिग्रेंट्स फिगर इन द डिजाइन ऑफ ISI, ISIS, है ना, दे वॉन्ट टू create communal flare-ups in the country. और जो रोहिंग्या militancy है वो further destabilize कर देगा, है ना, और violence can be there. ठीक है, so that is the whole story of the illegal immigration, that what are the challenges they pose to the country and what are the reasons that they are migrating to our country. ये दोनों चीज़ों पर आपको analysis करना है. ठीक है, खुद से सोचना है. उसके बाद steps क्या है, obviously we need an exclusive refugee or migration law, और अभी तक हमारे देश में नहीं है. अब इसमें ये भी कह सकते हैं हम कि ना मल्टीपर्पज़ आइडेंटिटी कार्ड्स इशू कर दिए जाए ताकि इलीगल माइग्रेशन ना हो. और कई जगहों पे ना ऐसा देखा गया है कि इंडो बांग्लादेश बॉर्डर पे ना देर आर पीपल हु कम एवरी डे टू वर्क इन टू इंडिया, तो उन केस में उनको वर्क परमिट्स दिए जा सकते हैं जो बांग्लादेशीज आते हैं, सो दैट दे कैन कम वर्क एंड गो बैक. ठीक है, सो वी नीड टू
have some sort of a mechanism for the same. उसके बाद ये भी कहा जाता है कि इंडिया को इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प कर सक इंडिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प कर सकता है बांग्लादेश की, है ना, ताकि उनकी प्रॉस्पेरिटी बढ़े, क्योंकि वन ऑफ द रीजन्स इज इकोनॉमिक रीजन्स दैट लॉट ऑफ पीपल माइग्रेट इन टू इंडिया. ठीक है, सो दैट कैन बी टेकन केयर ऑफ. डिप्लोमैटिक एफर्ट्स हो सकते हैं कि इंडिया बांग्लादेश आपस में बैठ कर, इंडिया म्यांमार आपस में बैठ कर सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें, डिपोर्ट करें जो ऑलरेडी इमिग्रेंट्स आ गए बैक टू देयर कंट्री, उस लेवल पर बात हो सकती है. इंटरनेशनल लेवल पे कोऑपरेशन हो सकती है, वाटर मैनेजमेंट को बेटर किया जा सकता है जो कि अभी काफी ज्यादा बेटर हो गई है. एंड देन द लास्ट वन इज बार फ्रॉम द वोटिंग राइट्स, राइट. सो दिस इज अबाउट द लास्ट टॉपिक, दैट इज इलीगल इमिग्रेशन. नाउ वी विल डिस्कस वॉट इज द चैलेंज टू द इंटरनल सिक्योरिटी दैट द मल्टी नेशनल कोऑपरेशन और ट्रांस नेशनल कोऑपरेशन दे पोस. ये थोड़ा सिंपल है, थोड़ा जेनरिक है, बट अगेन इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम करेंगे इसको कवर और ये काफ़ी पूछा भी जा सकता है आपसे. ठीक है, सो लेट्स जस्ट डिस्कस दिस. सो नेक्स्ट इज कलोनियलिज्म. कलोनियलिज्म कैसे हम एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे ट्रांसनेशनल कंपनीज को एक ऑफशूट देखा जाता है ऑफ वेस्टर्न कलोनियलिज्म, बट ऑब्वियसली इन अ सटल मैनर. क्यों? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो MNCs हैं या जो ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशंस हैं कि वो जो कंट्री है उसकी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को इम्प्रूव करने की बजाय उसको और ज़्यादा वर्सन कर देते हैं. ठीक है, अब ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो प्रॉफिट्स हैं जो MNCs तुम एक कंट्री के रिसोर्सेज को लेकर जनरेट कर रही हैं, दे आर रीपैट्रिएटेड बैक टू देयर ओन कंट्रीज. ठीक है, अब इसमें ना लोकल गवर्नमेंट्स ये कहती हैं कि कुछ पोर्शन है जो वो लोकल मार्केट में आ रहा है, बट ऑब्वियसली उनकी जो टेक्नोलॉजी है, उनकी जो आप ले लीजिए बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, वो लोकल मार्केट में आ रही हैं. बट ऐसा कहा जाता है नहीं, इट कम्स एट ए कॉस्ट, कि जो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और सबसे ज़्यादा विजिबल है जो नेगेटिव इफ़ेक्ट वो उनके बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में है. ठीक है, सो दिस इज़ वॉट हाउ वी सी दैट MNCs दे आर एन ऑफ शूट ऑफ वेस्टर्न कलोनियलिज्म. ठीक है, सो दिस यू नीड टू टेक केयर ऑफ. उसके बाद उनका जो इन्फ्लुएंस है वो अनमैचेबल है. ठीक है, ऐसा कहा जाता है उनकी पावर, उनका इन्फ्लुएंस और उनकी रीच, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है कि वो जो पॉलिटिकल डायनमिक्स है कंट्रीज़ की गवर्नमेंट्स के, उनको तक इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. ठीक है, और वो इस इन्फ्लुएंस को यूज़ करते हैं कि जो उनका फ़ायदा कैसे हो. ठीक है, एक तरह से जो नेशनल पॉलिसीज़ बन रही हैं वो उनके कंड्यूसिव कैसे हैं, उन जो MNCs हैं उनके लिए कैसे फ़ायदा बनाएंगी, वैसी ही जो नेशनल पॉलिसीज़ हैं वो बनती हैं बिकॉज दे द MNCs दे हैव दैट काइंड ऑफ पावर. ठीक है, दे रीक दैट काइंड ऑफ पावर. ठीक है, सो नेशनल पॉलिसीज़ तक वो अपने फेवर की बनाते हैं, लॉबिंग होती है बहुत ज़्यादा, उससे क्या होता है, दीज MNCs दे जनरेट अ लॉट ऑफ प्रॉफिट. ठीक है, बट अगेन ये जब नेशनल पॉलिसीज़ बनेंगी विच आर फेवरेबल टू द MNCs, तो जो लोकल लेवल पे जो सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है दे विल टेक अ बैक सीट. ठीक है, पहले वो थे जो ड्राइविंग सीट पे थे, जो ड्राइव कर रहे थे पॉलिसीज़ को, अब MNCs करती हैं बिकॉज दे हैव दैट काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस, राइट. सो दैट इज़ अनदर पॉइंट. ठीक है, MNCs के लेके. देन थर्ड है टेक्नोलॉजिकल फ्रॉड. टेक्नोलॉजिकल फ्रॉड क्या है कि जो टेक्नोलॉजी कल ट्रांसफ़र अग्रीमेंट्स होते हैं वो कहा जाता है कि दे आर नेवर इम्प्लीमेंटेड इन कम्प्लीटली, दे आर नेवर इम्प्लीमेंटेड कम्प्लीटली. ठीक है, एंड दे आर ऑलवेज स्क्यूड इन फेवर ऑफ द MNCs. ठीक है, अब क्या होता है कि मोस्टली तो ये है कि जो MNCs है कभी भी वो कम्प्लीट ट्रांसपेरेंट टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र को अग्री नहीं करती. अगर होती करती भी हैं कि हाँ हम करेंगे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, जो कंट्री है लेट्स से इंडिया में अगर हम अपनी कोई ऑर्गेनाइजेशन लगा रहे हैं, हम कम्प्लीटली ट्रांसफ़र करेंगे टेक्नोलॉजी, तो ऐसा करते हैं कि जो टेक्नोलॉजी कंट्री को मिलती है ना वो ऑब्सोलीट होती है या पेटेंटेड होती है, ताकि जो कंट्री है उसको यूज़ ना कर पाए, जो होस्ट कंट्री है उसको यूज़ ना कर पाए. ठीक है, सो दैट इज़ द टेक्नोलॉजिकल फ्रॉड दैट इज़ टेकिंग प्लेस. तो लोगों को लगता है नहीं टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो रहा है, बट वो नहीं होता. ओके, देन लिटिल और नो अकाउंटेबिलिटी. इसको कैसे देखा जाता है कि जो MNCs है ना, ऐसा कहा जाता है दे फंक्शन बियॉन्ड द स्टेट अथॉरिटीज़. ठीक है, बिकॉज मल्टी नेशनल लेवल पे वो फंक्शन कर रही हैं, तो जो हमारे देश की रेगुलेटरी स्ट्रक्चर है, ठीक है, और वो एक तरह से इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं हो पाता, क्योंकि ऐसा कहा जाता है दैट इज़ ओल्ड फैशन, दैट हैज़ नॉट बीन मेड विद रिस्पेक्ट टू दी कीपिंग इन माइंड दी MNCs ऑल्सो. ठीक है, सो द ओल्ड फैशन रेगुलेटरी बॉडी और जो MNCs हैं उनकी सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर,
they have resulted in a clash which makes the regulation of states turn into a major problem. ठीक है, तो regulation हो ही नहीं पाती है MNCs की, ठीक है, due to a lot of reasons. So they are not being regulated by the state authorities. उस वजह से क्या होता है, उनकी accountability zero हो जाती है, क्योंकि अगर आप regulation करेंगे तभी आप उनको accountable ठहरा सकते हैं, जब regulation ही नहीं हो रही, so they have zero or little accountability. उसके बाद ये भी कहा जाता है that they undermine social and economic rights. ठीक है, वो इसमें हमारे पास वही वाली बात है कि जो नेशनल पॉलिसीज़ हैं वो उनके फेवर में बनती हैं. ठीक है, सो और वो ऐसी पॉलिसीज़ भी जो गवर्नमेंट्स हैं वो कभी कभी बना लेती हैं जो कि जो हमारे सोशल और इकोनॉमिक राइट्स हैं उनको जेपर्डाइज करें. ठीक है, सो ये कहा जाता है दैट सिंस दे हैव अ कंसिडरेबल इम्पैक्ट ऑन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ द नेशन स्टेट्स, तो इनके जो इंटरफेरेंस है इन द डिसीजन मेकिंग पावर ऑफ द होस्ट कंट्री और ऑफ द नेशन स्टेट्स मे लीड टू सोशल एंड इकोनॉमिक हैजर्ड्स फॉर द पब्लिक एज वेल. उसके बाद ये तो आपने बहुत ही कॉमन है दैट इट दे स्टाइफल कॉम्पिटिशन. क्यों? क्योंकि वो इनपुट्स लाते हैं जो कि अपनी कंट्री से सब्सिडाइज्ड होते हैं. बेसिकली बात ये है कि जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं वो इनके लेवल पे कम्पीट नहीं कर पाते क्योंकि इकोनॉमीज ऑफ स्केल ही नहीं बन पाएंगे ना. सो दे हैव वो बल्क में इनपुट्स लेंगे तो सब्सिडाइज्ड मिलेंगे. ठीक है, देन दे हैव लेस कॉस्ट, है ना, तो जो उनका फर्दर जो उनका प्रोडक्ट बन रहा है वो भी काफ़ी कम प्राइस में बन रहा है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट काफ़ी कम है. बट जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं दे कैन नॉट रियलिस्टिकली मैच अप टू देयर प्राइसेस, तो एक तरह से वो मोनोपोली की तरह ही ऑपरेट करने लग जाते हैं क्योंकि जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं वो क्लोज टू भी नहीं आ पाते MNCs के. ठीक है, सो अब इससे क्या होगा कि जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं दे विल स्टार्ट लीविंग द फील्ड, लीविंग द MNCs टू मोनोपोलाइज द इकोनॉमी एंड वंस इन पार, और एक बार वो मोनोपोली बन गई देन दे कैन जैक अप द प्राइसेस. ठीक है, उसके बाद अनमैच्ड बजट्स में भी यही है कि लोकल मैन्युफैक्चरर्स के पास इतना एडवर्टाइजिंग बजट नहीं होगा जिससे कि वो बेटर इमेज पोर्ट्रे कर पाए इन द आईज ऑफ द लोकल पीपल. सो दे हैव अ लॉट ऑफ बजट, ठीक है, जिसकी वजह से वो गवर्नमेंट्स को इन्फ्लुएंस कर पाते हैं. दे हैव अ हाई एडवर्टाइजिंग बजट एंड दे सक्सीड इन मास मार्केट शेयर्स ऑफ देयर प्रोडक्ट्स बिकॉज दे कैन नॉट, जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं वो कभी इतना इस लेवल पे नहीं ऑपरेट कर सकते. ठीक है, सो दैट इज देयर, दे हैव अनमैच्ड मेजर्स. उसके बाद ह्यूमन राइट अब्यूजेस आर ऑल्सो अ रियलिटी. ठीक है, तो ऐसा कहा जाता है कि इस जो जो MNCs हैं, जो इनकी पॉलिसीज़ हैं, ये वही सोशल और इकोनॉमिक नेचर में काफ़ी ज़्यादा डेट्रीमेंटल होती हैं लोकल लोगों के लिए, और एट द सेम टाइम दे ऑल्सो कॉज द लॉट ऑफ ह्यूमन राइट अब्यूजेस बिकॉज दे ओनली द ओनली थिंग दैट दे ऑपरेट अपॉन इज जनरेटिंग प्रॉफिट्स. ठीक है, सो ये ह्यूमन राइट अब्यूजेस हैं. तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें हमने एनालाइज किया है इसको, बट यू कैन ऑल्सो फर्दर एड ऑन योर ओन पॉइंट्स एज वेल. ठीक है, सो दिस इज अबाउट MNCs. ठीक है, देन नेक्स्ट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कम्युनल एंड सोशल वायलेंस. ठीक है, इस पर भी हम बात करते हैं. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज कम्युनल एंड सोशल वायलेंस. ठीक है, अब आप इसको देखिए कि कम्युनल वायलेंस है क्या, कि इट एक्चुअली इज समथिंग दैट इज पोजिंग ग्रेट थ्रेट टू इंडिया सॉवरनिटी एंड इंटीग्रिटी. और वो कैसे पोज कर रहा है, लेट्स से फंडामेंटल रूल ऑफ लॉ को एक तरह से सबवर्ट कर रहा है, बेसिक राइट्स टू सिटीजन्स आर बीइंग डिनाइड, इट इंडेंजर्स द सोशल फैब्रिक ऑफ द कंट्री, द इंडेंजर्स इकोनॉमिक एंड पोलिटिकल स्टेबिलिटी. ठीक है, तो इस फॉर्म में जो हमारा कम्युनल वायलेंस है वो थ्रेट. और उसके बाद ये देखा जाता है कि जो थ्रेट्स हैं, द रियल थ्रेट्स टू इंडिया, दे आर इंटरनल एंड दे इमैनेट फ्रॉम द कम्युनल एंड सोशल वायलेंस. और ये कब इमैनेट होते हैं, कि जब एक कम्युनिटी, ठीक है, एक कम्युनिटी बिलीव करती है कि जो उनका जो उनके रिलीजियस बिलीव्स हैं या जो उनकी कास्ट है दैट इज़ बेटर देन दैट ऑफ द अदर्स. ठीक है, एंड दे ट्राई टू इम्पोज देयर बिलीव्स ऑन द अदर पीपल. ठीक है, दैट इज़ वॉट वेन कम्युनल वायलेंस इट कम्स इन टू प्ले. And it is mostly internal and not from outside forces such as Pakistan and China. ठीक है, क्योंकि जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं इंडिया में, ठीक है, सो इंटरनल अगर हम बात करते हैं तो हम इंटरनली बात करेंगे, तो इंडिया में ना बहुत सारी कास्ट से दे को एग्जिस्ट. ठीक है, सो जब कोई एक कास्ट असर्ट करेगी अपनी आइडेंटिटी ज़्यादा, सो इट विल लीड टू कास्ट वॉर्स. उसके बाद वोट बैंक पॉलिटिक्स है कोटा रिजर्वेशन के, सो ये सब चीज़ें बेसिकली ऐड करती हैं कैसे कास्ट वॉर्स होते हैं और कैसे दैट कैन लीड टू कम्युनलिज्म एंड कैसे दैट कैन लीड टू कम्युनल टेररिज्म. ठीक है, सो द वंस विच वर गुज्जर्स का हम एग्जाम्पल दे सकते हैं. ठीक है, सो अब ये कैसे हो सकता है, देखो
नेक्स्ट चीज़ ये है कि हमें ये जो कास्ट डिस्टिंक्शंस हैं इनको ख़त्म करना है. उसके बाद एक तो हो गया कास्ट आइडेंटिटीज, दूसरी चीज़ है डेवलपमेंटल जो डेफिसिट है कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज दे आर वाइडनिंग, इसकी वजह से भी सोशल टेंशंस और कॉन्फ्लिक्ट्स दे आर इंक्रीजिंग. उसके बाद प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन आकर और ज़्यादा वाइडन कर रही है डिस्पैरिटीज को, विद रिचर बिकमिंग रिचर एंड पुअरर बिकमिंग पुअरर. सो इट इज़ नॉट ओनली द एग्जिस्टेंस ऑफ अ लॉट ऑफ कम्युनिटीज, बट ऑल्सो जब उसके ऊपर जो ये सोशियो डेवलपमेंटल इशूज हैं, ठीक है, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट ये सब भी आते हैं, सो दैट लीड्स टू कम्युनल टेंशन. ठीक है, अब दिस इज एक्चुअली एक्सप्लॉयटेड बाई डिफरेंट लेफ्टिस्ट एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस. ठीक है, सो दे आर स्प्रेडिंग देयर नेटवर्क, है ना. जैसे हमने जब हम लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का देखते हैं तो हम सबसे ज़्यादा उसका डेवलपमेंट के साथ भी देखते हैं, बिकॉज ऑफ द डेफिसिट ऑफ द डेवलपमेंट दैट दीज दे आर स्प्रेडिंग, राइट. उसके बाद अब स्टेप्स क्या लिए जा सकते हैं. देखो, स्टेप्स है कि आप एक्सट्रीमिज्म काउंसलिंग हॉटलाइन लेकर आएं, ठीक है. उसके बाद काउंटर रेडिकलाइजेशन. अब रेडिकलाइजेशन, जैसे ये लेफ्टिस्ट माओइस्ट वगैरह रेडिकलाइजेशन कर रहे हैं, तो आपको काउंटर रेडिकलाइजेशन करनी चाहिए विद फोकसिंग ऑन द कम्युनिटी आउटरीच. उसके बाद जो भी पोटेंशियल टारगेट ग्रुप्स हैं, ठीक है, जो आपको लगता है कि कल उनके बीच में कम्युनल फ्लेयर अप हो सकता है, उनकी कंडीशंस को इम्प्रूव किया जाए, ठीक है, जो डिसएडवांटेज्ड माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं, सो दैट दे आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय मैसेजेस ऑफ रेडिकलाइजेशन. सो दैट कैन बी डन बाय इम्पार्टिंग एकेडेमिक नॉलेज, ठीक है. उसके बाद मॉरल पुलिसिंग हो सकती है. फिर उसके बाद ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन के अगेंस्ट मॉनिटरिंग, प्रोएक्टिव विजिलेंस हो सकता है, ठीक है, ये सब कुछ हो सकता है. उसके बाद ना नेक्स्ट एक चीज़ ये है कि लाइक माइंडेड कंट्रीज, ठीक है, इनके बीच में कोऑपरेशन हो सकती है. जैसे इंडिया ने ऑफर किया था मिलिट्री असिस्टेंस टू इराक ताकि वो ISIS के अगेंस्ट फाइट कर सके, ठीक है. सो दैट कैन बी देयर. देन कोऑर्डिनेशन कैन बी देयर अमंग एजेंसी, सर्च इंजन्स एंड सोशल मीडिया कंपनीज टू आइडेंटिफाई एंड देन रिमूव दीज कंटेंट्स फ्रॉम द इंटरनेट. तो आजकल बिकॉज ऑफ द रेवोल्यूशन दैट द IT इज कॉजिंग, उसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा रेडिकलाइजेशन इज टेकिंग प्लेस ऑनलाइन ओनली, ठीक है. सो वो भी ठीक कर सकते हैं हम, ठीक है. सो दिस इज अबाउट द रेडिकलाइजेशन. अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, दैट इज कोस्टल सिक्योरिटी. दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ दिस लेक्चर, ये आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है. सो शुरू करते हैं कोस्टल सिक्योरिटी के साथ. सो व्हेन वी टॉक अबाउट कोस्टल सिक्योरिटी, ठीक है, इट इज़ अ टर्म विच में मीन डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट नेवीज, ठीक है. कैसे, कईयों में कोई जो नेवी है या कोई कंट्री है इसको परसीव कर सकती है जस्ट एज अ मेजर ऑफ प्रोटेक्शन एंड डिफेंस अगेंस्ट साबोटाज, कि कोई आके तुम्हें अटैक कर दे तो कैसे तुम प्रोटेक्ट करोगे या खुद को डिफेंड करोगे. या फिर कईयों के लिए थोड़ी ब्रॉड हो सकती है, जैसे कि टू कम्बैट टेररिज्म एंड इलीगल एक्टिविटीज़ लाइक पायरेसी एंड ट्रैफिकिंग, एंड स्टिल अदर एक्सपैंडेड टू एम्ब्रेस द प्रोटेक्शन ऑफ टेरिटोरियल वाटर्स एंड सी लेन्स, ठीक है. सो दिस इज़ वॉट मेरीटाइम सिक्योरिटी इज़, यू नीड टू नो. ओके, सो मूविंग अहेड, वॉट आर द चैलेंजेस टू द कोस्टल सिक्योरिटी, या कोस्टल सिक्योरिटी कैसे पोज कर, कैसे एक इम्पॉर्टेंट डायमेंशन है हमारे इंटरनल सिक्योरिटी का. तो वो अगर हम देखें तो पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए कि जो इंडिया का मेन स्ट्रेटेजिक चैलेंज है वो चाइना से आता है, क्योंकि चाइना इज़ वन द वन विच जो इंडियन ओशन रीजन है वो चाइना के साथ भी है. सो नेबर है चाइना, ठीक है, एंड इट इज़ अ प्रॉस्पेरस वन. सो जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है मैरीटाइम एशिया में, that has risen with the rise of China, and it has actually compelled India कि वो अपनी जो maritime policy है उसको भी review करे, ठीक है. because China बहुत ज़्यादा जो उसका maritime architecture है, जो उसका security architecture है, वो काफ़ी ज़्यादा developed है, काफ़ी ज़्यादा advanced है. अब ये और भी ज़्यादा क्यों crucial हो जाता है, क्योंकि जो पाकिस्तान और चाइनीज़ की जो alliance है और विद एन एंटी इंडिया स्लैंट फर्दर कॉम्प्लिकेट्स, तो और भी ज़्यादा जो नीड है टू डेवलप आर सिक्योरिटी, कोस्टल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, दैट इज़ देयर, ठीक है. उसके बाद एक चीज़ और अगर हम देखें जो इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि जो साइनो इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक इक्वेशन है उसमें मैरीटाइम डायमेंशन इज़ अ रिलेटिवली न्यू फैक्टर. इट हैज़ मोस्टली इन्वॉल्व अराउंड द बॉर्डर्स, लैंड बॉर्डर्स. अब उसके बाद इंडिया और चाइना दोनों की ग्रोथ बहुत ज़्यादा रैपिड रही है, तो जो जो एक तरह से सी लेन्स हैं उस पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंसी है. सो बोथ कंट्रीज एक्चुअली वॉन्ट टू इंश्योर दैट देर इज़ अन इंटरप्टेड यूज़ ऑफ सी लेन्स, राइट. उसके बाद नेक्स्ट ये है कि
अभी जो चाइनीज नेवी है दैट डज नॉट हैव रिक्विजिट केपेबिलिटी टू ऑपरेट फॉर एक्सटेंडेड पीरियड्स इन द इंडियन ओशन रीजन, और क्योंकि जो चाइना है ना उसका फोकस साउथ चाइना सी पे ज़्यादा है, तो इसीलिए कहा जाता है कि इंडिया को अभी जो पॉलिटिकल वैक्यूम है, जो पावर वैक्यूम है इंडियन ओशन रीजन में, उसको सीज करना चाहिए, इस अपॉर्चुनिटी को सीज करना चाहिए और एक तरह से डेवलप कर लेने चाहिए अपने सिक्योरिटी आर्किटेक्चर. उसके बाद पाकिस्तान भी अगर न्यूक्लियर है दैट इज़ डेंजरस है ना, अगर हम उसको ऐसे ही छोड़ दें. सो वी नीड टू हैव न्यूक्लियर आर्सेनल रेडी इवन इन द सीज, राइट. उसके बाद नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार एंड बांग्लादेश, they also have problems, so they can have a direct impact on India's security. ठीक है, अनदर एरियाज आर लाइक द सीबॉर्न टेरर अटैक्स, जैसे कि जो मुंबई में हुआ था, फिर इंसिडेंट्स ऑफ पायरेसी, हमें इसके साथ भी डील करना है. सो वी नीड टू हैव अ प्रोएक्टिव अप्रोच. ठीक है, उसके बाद यू कैन ऑल्सो हैव यू नो अ पॉलिसी ऑफ कोऑपरेटिव इंगेजमेंट विद द वर्ल्ड, ठीक है, ग्लोबल लेवल पे, ठीक है, दैट कुड बी देयर. उसके बाद ये तो हमारे हो गए चैलेंजेस, ठीक है. उसके बाद दीज आर मोर और लेस इंटरनेशनल, जैसे हमने बोला था ना, हम हर एक चीज़ की इंटरनेशनल डायमेंशन करेंगे और फिर हमारी कंट्री में क्या इश्यूज़ हैं. अब हमारी कंट्री में क्या इश्यूज़ हैं, देर वॉज दिस रिपोर्ट बाय कैग, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ओडिशा, ठीक है. सो दैट रिपोर्ट एक्चुअली पॉइंटेड आउट कि जो स्टेट का कोस्टल सिक्योरिटी सेटअप है उसमें काफ़ी ज़्यादा लूप होल्स हैं, ठीक है. क्या जैसे सिस्टेमिक डेबिलिटीज हैं, क्या पेट्रोल बोट्स हैं पर वो अंडर यूटिलाइज्ड है, फिर शोर बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर हैज़ नॉट बीन क्रिएटेड, उसमें डिलेज है, राइट. उसके बाद मैन पावर शॉर्टेजेस हैं, अनस्पेंट फंड्स हैं, ठीक है. और ये कहा जाता है कि जो अब ये रिपोर्ट थी स्पेसिफिक टू ओडिशा, बट इट इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ व्हाट अपीयर्स टू बी अ लार्जर प्रॉब्लम विद ऑल ऑफ द इंडिया स्टेट, ठीक है. सो ये कहा जाता है कि इट अपीयर वैलिड फॉर लिटोरल प्रोविंसेस एज वेल, ठीक है, कि जो प्रॉब्लम्स हैं वो सिर्फ ओडिशा में ही नहीं है, वो ऑल ओवर इंडिया है. तो अब फाइंडिंग्स अगर हम देखें, ठीक है, सो ये एक तरह से ये बेसिकली ना आप यू कैन कोट दिस विद रिस्पेक्ट टू ओडिशा, बट अगेन आप ये भी कोट कर सकते हैं, इट इज़ ट्रू फॉर अदर स्टेट्स एज वेल. तो ये क्या क्या फाइंडिंग्स है, ये बहुत ज़रूरी हैं अगर आपको कभी इश्यूज़ आ जाए विद चैलेंजेस क्या पोज करती है हमारी इंटरनल सिक्योरिटी में, कोस्टल सिक्योरिटी. तो आप ये चीज़ें भी कर सकते हैं कि हमारे पास ये इश्यूज़ इमैनेट होते हैं इंडिया के अंदर से ही, बाहर जो चैलेंजेस हैं वो तो है ही हैं, इंडिया के अंदर भी बहुत प्रॉब्लम्स हैं. जैसे कि हमारे पास पेट्रोलिंग एफर्ट्स में क्यूमुलेटिव शॉर्टफॉल है, फिर फिजिकल चेक्स ऑन फिशिंग वेसल्स बाय द कोस्टल पुलिस, ठीक है, पहले क्या था फिजिकल चेक्स होते थे, अब उसमें डिक्लाइन हो गया है. एक्यूट शॉर्टेज ऑफ मैन पावर, जैसे कि पुलिस स्टेशंस में जो पर्सन इन पोजिशंस है दे आर ओनली 25% ऑफ द सैंक्शनड फोर्स नंबर, जो भी सैंक्शन नंबर होगा उसके 25% ही है, और जो प्रेजेंट है उनकी इनएडिक्वेट ट्रेनिंग है. फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, लैंड एक्विजिशन में डिले है, ठीक है. और उसके बाद जेटीज़ हैं, जो कोस्टल सिक्योरिटी स्कीम है, आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, उनके अंदर दे हैव नॉट बीन कंस्ट्रक्टेड, ठीक है. उसके बाद फिशरीज पायर्स है ना, वो भी अभी नहीं है इतना ज़्यादा. देन दी अदर थिंग इज़ दैट जो फंड्स, आप देखिए कोस्टल सिक्योरिटी स्कीम के ना अभी हम उसकी डिटेल्स पढ़ेंगे कि उसमें फ़ीचर्स क्या, कि जेटीज़ बननी चाहिए थी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, बहुत सारे फ़ीचर्स हैं. दो फेजेस में आई थी, फेज़ वन फेज़ टू, उसमें फ़ंड्स भी बहुत ज़्यादा एलोकेट हुए थे. तो अब वो जो फंड्स है दे हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड, ठीक है. तो वही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए जो फंड्स थे वो यूटिलाइज नहीं हुए, और मॉनिटरिंग मैकेनिज्म्स भी पुअर हैं. तो ये आप अगर हम आगे जाके आपको कभी कोस्टल सिक्योरिटी स्कीम को क्रिटिकली एनालाइज करने के लिए आता है, तो उसमें आप ये वाले इश्यूज़ भी लिख सकते हो कि ये इश्यूज़ हैं, ये चैलेंजेस हैं, कि अभी तक कोस्टल सिक्योरिटी स्कीम ने अपना जो फुल पोटेंशियल है वो क्यों नहीं अचीव किया, और उसके फीचर्स हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे. बट अगेन ये जो चैलेंजेस हैं ये काफ़ी जेनरिक हैं, आप इसको कहीं भी लिख सकते हैं अगर आपको कोस्टल सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई भी चैलेंज आता है तो, ठीक है. एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू कोस्टल सिक्योरिटी यू कैन कोट दिस. देन वॉट आर द स्टेप्स, देखिए स्टेप्स में हम देखते हैं कि इंडियन नेवी हैज़ इवॉल्व्ड अ मल्टी लेयर्ड सर्वेलेंस केपेबिलिटी, ठीक है. मल्टी लेयर्ड सर्वेलेंस केपेबिलिटी हमने इवॉल्व की है, ठीक है. कैसे, सो वी हैव अन डिप्लॉयमेंट ऑफ टास्क ऑप्टिमाइज्ड एयरक्राफ्ट एंड अनमैंड एरियल वेहिकल्स फॉर ईच लेयर, ठीक है. सो दैट इज़ वॉट वी आर डूइंग टू टैकल द
coastal challenges. Then another important thing is, which is very important, is coastal security scheme. So government ne kya kiya, vulnerability analysis kiya ki kaise kaise hum vulnerable hai, especially along the coastline. Theek hai, aur uske baad they formulated a coastal security scheme with a view to strengthen the security of the coastline of the country. अब जो phase 1 था, that was implemented in 9 coastal states and 4 coastal UTs 2005-11. अभी phase 2 चल रहा है, जिसकी duration 2010-2020 थी. ठीक है, so दो phases में है. अब अगर हम phase 1 की बात करें, तो आप लिख सकते हो कुछ-कुछ चीजें कि coastal police stations का ये 73 coastal police stations, check post, outposts, etc. they were established. और similarly अभी और ज़्यादा sanction किए गए हैं phase 2 में. ठीक है, अब अगर हम general features की बात करें तो क्या है, देखिए सबसे पहले है पेट्रोलिंग. सो पेट्रोलिंग कैसे एनहांस होगी, कोस्टल पुलिस स्टेशंस बनाकर, कोस्टल चेक पोस्ट बनाकर, मेरीन ऑपरेशन सेंटर्स और जेटीज फॉर बर्थिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ बोट्स, इंटरसेप्टर बोट्स एट स्ट्रेटेजिक लोकेशंस. ठीक है, सो दैट इज हाउ द पेट्रोलिंग कैन बी एनहांस्ड. पहली चीज हो गई पेट्रोलिंग कैसे होगी. उसके बाद है सर्वेलेंस. सर्वेलेंस थ्रू मॉडर्न टेक्निकल मेजर्स सच एज AIS, ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम रिसीवर्स एंड अ चेन ऑफ ओवरलैपिंग कोस्टल रडार्स. तो आप सर्वेलेंस भी इंक्रीज कर रहे हैं विद हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी. ठीक है, दिस इज ऑल हैज टू बी एस्टैब्लिश्ड अंडर द कोस्टल सिक्योरिटी स्कीम. उसके बाद जॉइंट ऑपरेशन सेंटर्स हैड टू बी सेट अप बाय द इंडियन नेवी एज कमांड एंड कंट्रोल हब्स फॉर कोस्टल सिक्योरिटी एट मुंबई, विशाखापट्टनम, कोची एंड पोर्ट ब्लेयर. देन मेरीन पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, ताकि जो उनकी ट्रेनिंग है, क्योंकि हमने बोला ना एक तो वैसी शॉर्टेज और ट्रेंड नहीं है उनको ट्रेन करने के लिए. फिर स्टेट मेरीटाइम बोर्ड्स को फैसिलिटेट को बनाना. फिर उसके बाद एपेक्स लेवल पे हमारे पास एक नेशनल लेवल पे वी हैव अ नेशनल कमेटी फॉर स्ट्रेंथनिंग मेरीटाइम एंड कोस्टल सिक्योरिटी. ठीक है, विच इज हेडेड बाय द कैबिनेट सिक्योरिटी सेक्रेटरी, जो कि कोऑर्डिनेट करेगा जितने भी मैटर्स हैं रिलेटेड टू मैरिटाइम एंड कोस्टल सिक्योरिटी. तो ये एक एपेक्स लेवल पे ये बॉडी है. उसके बाद जॉइंट ऑपरेशन सेंटर्स, वही अभी हमने डिस्कस किया. अब जो जॉइंट ऑपरेशन सेंटर्स हैं ये मैन कौन कौन करेगा, नेवी, कोस्ट गार्ड और मेरीन पुलिस. ठीक है, तो ये तीनों हैं जो पेट्रोलिंग करते हैं बेसिकली, नेवी, कोस्ट गार्ड एंड मरीन पुलिस. ठीक है, तो वही है कि एट एनी गिवन टाइम जितनी भी इंटायर वेस्ट कोस्ट है दैट इज अंडर कंटिन्यू सर्वेलेंस बाय शिप्स, एयरक्राफ्ट ऑफ नेवी एंड कोस्ट गार्ड. तो पोटेंशियल थ्रेट्स दे हैव बीन डिटेक्टेड, क्योंकि वेस्टर्न कोस्ट जैसे मुंबई पुलिस अटैक आया था तो उसके बाद जो हमारी वेस्टर्न जो हमारी ये कोस्टल सिक्योरिटी है और भी ज़्यादा इन्हांस हो गई है. ठीक है, सो JOCs की बात करेंगे हम. उसके बाद एक और हमारे पास जो इम्पोर्टेंट एक इंडियन मैरिटाइम सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी आई थी 2015 में, ये भी थर्ड मैरिटाइम गाइडेंस डॉक्यूमेंट था 1998 में. और ये क्या करता है, ये बेसिकली एक अकाउंट है ऑफ क्या क्या चैलेंजेस है, क्या क्या स्ट्रेंथ्स है और क्या क्या हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं विद रिस्पेक्ट टू मैरिटाइम सिक्योरिटी. ठीक है, इट इन्वेसेजेस ग्रेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट मैरिटाइम एजेंसीज. ठीक है, वही है कि जितनी भी मैरिटाइम एजेंसीज हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन हो ताकि हम सिक्योर कर सकते SLOCs, दैट इज सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशंस. फिर उसके बाद मैरिटाइम टेररिज्म, पायरेसी एट्सेट्रा. उसके बाद मल्टीलेटरल मैरिटाइम एंगेजमेंट कैसे हो सकती है, लोकल कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे हो सकती है, टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ किया जाता है, सबके बारे में एक तरह से ये एक कॉम्प्रीहेंसिव डॉक्यूमेंट है, दैट इज इंटरनल मैरिटाइम सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी. तो जब भी आपके पास कोस्टल सिक्योरिटी की बात आती है, एक आपको कोस्टल सिक्योरिटी स्कीम लिखना बहुत ज़रूरी है और एक IMSS. Similarly, we have NC3I. नेशनल कंपाउंड कंट्रोल कम्युनिकेशन एंड इंटेलिजेंस नेटवर्क. अब ये क्या है, ये एक तरह से ओवर आर्चिंग कोस्टल सिक्योरिटी नेटवर्क है जो कि सारा डेटा रिगार्डिंग शिप्स, ठीक है, फिशिंग बोट्स, जितने भी वेसल्स हैं उनको कोलेट करता है. ठीक है, इंक्लूडिंग AIS एंड रडार चेन, दीज आर द टेक्निकल सोर्सेज इट यूटिलाइजेस. ठीक है, सो NC3I इज रिगार्डिंग द डेटा. ठीक है, अब ये जो इनपुट्स हैं दे आर एनालाइज्ड एट IMAC एट गुरगांव, जो कि इस इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट करता है टू द 51 नोट्स ऑफ नेवी एंड कोस्ट गार्ड विच आर स्प्रेड अक्रॉस द कोस्ट ऑफ इंडिया. सो इट इज़ बेसिकली डेटा को कोलेट करना, कलेक्ट करना फ्रॉम AIS रडार चेन और फिर उसको डिसेमिनेट करना ताकि जो भी नेवी है, कोस्ट गार्ड है, वो रियल टाइम में इंफॉर्मेशन उनको मिलती रहे. ठीक है, देन यू हैव सर्वेलेंस. सर्वेलेंस में ह्यूमन इंटेलिजेंस है, सैटेलाइट और ई सर्वेलेंस, तीनों सर्वेलेंसेज आर रिक्वायर्ड फॉर कोस्टल सिक्योरिटी. देन यू हैव CMPF, दैट इज सेंट्रल मैरिटाइम पुलिस फोर्स.
प्रोटेक्ट सी कोस्ट पोर्ट्स एंड वाइटल इंस्टीट्यूशंस. उसके बाद बाय एनुअल सागर कवच एक्सरसाइज होती है. हमारे पास नेवी, कोस्ट गार्ड और कोस्टल पुलिस, ठीक है, इन तीनों में. ये भी एक तरह से टीम वर्क है कि जो लिटोरल डोमेन है, जो कोस्टल डोमेन है, उसमें इन तीनों को इकट्ठे कैसे थ्रेट्स को टैकल करना है. उसके बाद फिशरमैन की जो एक तरह से कोऑर्डिनेशन है, कोऑपरेशन है, वो भी रिक्वायर्ड है. तो आईडी कार्ड्स हैव बीन इशूड टू ऑल द फिशरमैन. उसके बाद रजिस्ट्रेशन ऑफ 2 लाख फिशिंग वेसल्स, ठीक है. उसके बाद उनकी आइडेंटिफिकेशन, ट्रैकिंग, सब कुछ फैसिलिटेट करना इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. और जो फिशिंग कम्युनिटी है उनको ना ऐसे भी कहा जाता है, दे हैव बिकम द आईज एंड ईयर्स ऑफ आर सिक्योरिटी आर्किटेक्चर. तो उनके भी उनको अवेयरनेस पहुँचाना रिगार्डिंग द कोस्टल सिक्योरिटी थ्रू अवेयरनेस कैंपेन्स हैज़ बीन कंडक्टेड बाई इंडियन नेवी एंड कोस्ट गार्ड इन ऑल द कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द कंट्री. तो इंपॉर्टेंस ऑफ फिशरमैन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज आर यू कैन से कोस्टल सिक्योरिटी गोज, ठीक है. सो दिस इज़ अबाउट द कोस्टल सिक्योरिटी. अगेन आई वुड से इसके 4-5 पॉइंट्स है. कोस्टल सिक्योरिटी स्कीम है, IMSS है, फिर एक जो हमारे पास रोल ऑफ फिशरमैन है, ठीक है. उसके बाद एनुअल एक्सरसाइजेज हैं, सागर कवच एक्सरसाइज, सर्वेलेंस, सेंट्रल मेरीटाइम पुलिस फोर्स, एंड देन यू हैव नेशनल कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन एंड इंटेलिजेंस नेटवर्क, दैट इज NC3I. दे आर ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज कोस्टल सिक्योरिटी गोज, ठीक है. सो दिस इज अबाउट द कोस्टल सिक्योरिटी. नेक्स्ट हमारे पास करप्शन इज वेरी स्मॉल टॉपिक है ना, एंड देन वी हैव मनी लॉन्ड्रिंग ऑल्सो. सो यू विल कवर दीज टॉपिक्स इन डिटेल एल्सवेयर, ठीक है. मनी लॉन्ड्रिंग तो आप सिक्योरिटी में ही करते हो, करप्शन आप बेसिकली दो जगह करते हो, GS2 में करते हो और GS4 में करते हो, ठीक है. तो इसमें हम थोड़ा सा बहुत ही छोटा सा एस्पेक्ट इसका टच करेंगे, राइट. सो लेट्स जस्ट कंटिन्यू. करप्शन इज द अब्यूज ऑफ द इंटरेस्टेड पार फॉर प्राइवेट गेन. तो इसको ऐसे कहते हैं यूज़ ऑफ पब्लिक ऑफिस फॉर प्राइवेट गेन्स, ठीक है. सो दैट इज़ वॉट करप्शन इज़. उसके बाद करप्शन कैन बी ग्रैंड, पेटी और पोलिटिकल, कि कितना पैसा हैज़ बीन लॉस्ट, ठीक है, एट द सेम टाइम वेयर इट इज़ अकरिंग. उसके बाद वॉट आर द मैनिफेस्टेशंस ऑफ द करप्शन. देखो करप्शन यही है कि और उसके आप ये कह सकते हो कि करप्शन की एक तो डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूज़ ऑफ द पब्लिक ऑफिस फॉर प्राइवेट गेन्स. उसके बाद करप्शन के कुछ इफेक्ट्स हैं कि करोड करती है फैब्रिक ऑफ द सोसाइटी, जो ट्रस्ट है पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम्स में, इंस्टीट्यूशंस में, लीडर्स में, दैट इज़ ऑल लॉस्ट, ठीक है, दैट इज़ ऑल लॉस्ट. मैनिफेस्टेशंस की बात करें सो देखिए बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशंस, एक तो यही है कि जो डेमोक्रेटिक और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी वीकनिंग हो जाती है. पॉलिटिशियन क्रिमिनल नेक्सस है, विच इज़ एक्चुअली द रूट कॉज ऑफ पॉलिटिकल करप्शन, ठीक है. उसके बाद जो लोग ऑनेस्टली काम कर रहे हैं उनका मोराल हैज़ बीन उनका मोराल कम हो जाता है, ठीक है. मोटिवेशन ख़त्म हो जाती है ऑनेस्टली काम करने की, ठीक है, दैट इज़ देयर. और उसके बाद आउटगोइंग फ्लो ऑफ ब्लैक मनी एंड एक पैरेलल ब्लैक इकोनॉमी इज द वन विच इज़ कंडक्टेड, ठीक है. सो अगेन आई वुड से हम थोड़ा स्टेप्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं. स्टेप्स यही हैं कि आप जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, जो फाइनेंस मैनेजमेंट है, उसको रिफॉर्म करें, ट्रांसपेरेंसी लेकर आएँ, डिस्क्रीशनरी जो पावर्स है उनको कम करें. उसके बाद इफ़ेक्टिव एक्शन बाय लोकपाल, यूज़ ऑफ RTI, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, है ना, वो सब चीज़ें हैं. उसके बाद ई गवर्नेंस इज़ द की टू रिड द करप्शन. देन ऑडिट गवर्नमेंट्स फंडिंग, ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है. फिर उसके बाद कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे CBI ED, सो दैट दे कैन इन्फोर्स द लॉस. दे शुड बी मेड इंडिपेंडेंट, एफिशिएंट एंड अकाउंटेबल. फिर उसके बाद वही है कि जो स्टेट पुलिस है, एंटी करप्शन विजिलेंस डिपार्टमेंट्स हैं, उनको डीपोलिटिसाइज किया जाए, री इन्वेंट CBI. देन कुछ लेजिस्लेशंस हैं, ठीक है, लेजिस्लेशंस में हमारे पास ये लेजिस्लेशंस आती है, लोकपाल, विसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट, PMLA, बिनामी ट्रांजैक्शंस, है ना, POCA, प्रोसिक्यूशन अंडर द प्रोसिक्यूशन सेक्शन ऑफ द IT एक्ट ऑफ 1961, एज वेल एज एम्पावर सिटीजन्स, ठीक है, सो दैट दे कैन मेक यूज ऑफ यू नो RTI. उसके बाद जितनी भी हमारे पास कि ये लेजिस्लेशंस हैं इनके बारे में उनको पता हो, ऑल दैट, ठीक है. सो दैट हैज़ टू बी टेकन केयर ऑफ. अगेन अ वेरी सिंपल वे टू डील विद करप्शन, बट हम डिटेल में करेंगे डेफिनेटली. ओके, मनी लॉन्डरिंग, अगेन आई वुड से इट इज़ अ टॉपिक विच इज़ इन द सिलेबस, अलग से लिखा हुआ है, तो उसमें हम डिटेल में करेंगे. अभी जस्ट एक आपको जस्ट देने की बात है, मनी लॉन्डरिंग क्या है. मनी लॉन्डरिंग होता है कि प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एन अपेयरेंस, कि जितना मनी हमें इलीगल एक्टिविटीज से मिला, जैसे क्रिमिनल, ड्रग ट्रैफिकिंग एट्सेट्रा से, सो दैट हैज़ बीन ओरिजिनेटेड फ्रॉम ए लेजिटिमेट सोर्स. यही होता है मनी लॉन्डरिंग, ठीक है.
So money laundering ke saath issues kya hai? It can give rise to parallel economy of unaccounted money, which threatens the economic security of the country. So basically money laundering ke saath na yahi issue involved hota hai ki parallel economy ek khadi ho sakti hai. क्योंकि अनअकाउंटेड मनी था. फिर उसके बाद इट कैन जेपर्डाइज द इकोनॉमिक सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री. इट कैन डीस्टेबलाइज द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री. कैन लीड टू फाइनेंशियल क्राइसिस. ठीक है. फिर उसके बाद हमारे पास और क्या हो सकता है कि इसकी वजह से जो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी रेपुटेशन डैमेज हो सकती है. फॉरेन इन्वेस्टर्स कैन गेट डिस्करेज्ड. उसके बाद एक तो ये हो गया कि हमारी इकोनॉमिक सिक्योरिटी कैसे जेपर्डाइज करता है मनी लॉन्डरिंग. एक और चीज़ है कि इट कैन बी यूज एज अ टूल ऑफ रिसोर्स मोबिलाइजेशन बाय इंसर्जेंट ग्रुप्स मिलिटेंट्स नक्सल्स. ठीक है. वो अपनी जो पीस और सिक्योरिटी को जेपर्डाइज करने में यूज कर सकते हैं ये लॉन्डर्ड मनी. ये मनी हैज बीन यूज्ड इन कश्मीर टू फंड द सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज. देन इट इज आल्सो यूज्ड टू फंड एनजीओस एंड अदर सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस टू प्रोपोगेट एन एजेंडा विच इज आल्सो डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट्स ऑफ द सोसाइटी. सो दैट कैन बी यूज्ड. देन इट कैन आल्सो बी यूज्ड टू फंड पॉलिटिकल पार्टीज. ठीक है. अब ये क्या है, ये इंश्योर करता है कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स कभी खत्म ना हो. फिर उसके बाद डिस्टॉर्ट कर सकता है ओपन मार्केट को. ठीक है. सो दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ मनी लॉन्डरिंग, राइट. ओके. देन स्टेप्स क्या है, देखो स्टेप्स यही है कि करेंसी में सेफ्टी फीचर्स इन्हांस किए जाएं. उसके बाद टेरर फंडिंग एंड फेक करेंसी सेल इज देयर. ठीक है. NIA टू इन्वेस्टिगेट द टेरर फंडिंग केसेस. स्पेशल कॉम्बेटिंग फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म सेल हैज़ बीन क्रिएटेड इन MHA. ठीक है. वो भी इंटीग्रेटेड अप्रोच लेकर आएगा टू टेरर फंडिंग. उसके बाद FIU. ठीक है. FIU इंडिया इज द सेंट्रल नेशनल एजेंसी विच इज़ देयर. ये बेसिकली ना सारी इन्फॉर्मेशन रिसीव करती है, प्रोसेस करती है, एनालाइज करती है. जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स आप सस्पेक्ट करते हो कि ये ठीक नहीं है, उसके लिए वी हैव FIU IND इंडिया. नाम से ही पता चलता है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट. ठीक है. सो दैट इज देयर. देन UAPA एक्ट को और सबसे जो इंपॉर्टेंट एक्ट है PMLA उसको स्ट्रेंथन करना. इसके फीचर्स हम करेंगे जब हम मनी लॉन्ड्रिंग को डिटेल में डिस्कस करेंगे. इंटरनेशनल कोऑपरेशन में आपने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की बात करी होगी. दैट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1989 और ये भी बेसिकली मनी लॉन्डरिंग को कम्बैट करने के लिए है. ठीक है. सो दैट इज देयर. अगेन वी विल डिस्कस दिस इन डिटेल इन मनी लॉन्डरिंग, राइट. और माओस्ट और नक्सलाइट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस. सो दैट इज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर. तो हमने जो सेकेंड टॉपिक है वो कम्प्लीट कर लिया है. अब हम थर्ड टॉपिक के साथ आपको जल्द ही मिलेंगे. थैंक यू सो मच.